वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान. और व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है दो ऐसी पर्सनालिटीज ने जिनकी आजकल तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है. आजकल कोरोना तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी रमजानुल मुबारक में अपनी हेल्थ का भी खास ख्याल रखना चाहिए. सहरी में क्या लेना चाहिए, इफ्तार में क्या खाना चाहिए, उसके अलावा बहुत सी बीमारियां भी आजकल फैली हुई हैं. चाहे आप टाइफाइड की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, जॉन्डस, बहुत सी इलनेसेस फैली हुई हैं. तो उसमें सही खुराक लेना और अल्टरनेटिव मेडिसिन का उसमें कितना अमल दखल होता है, ये हम जानेंगे आज की दोनों पर्सनैलिटी से. डॉक्टर इजहार खान हमारे साथ हैं. आप MD अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ्रॉम University. उसके अलावा फॉर्मर एडवाइजर टू द गवर्नर ऑन हेल्थ एजुकेशन, फॉर्मर प्रोग्राम हेड प्राइम मिनिस्टर हेल्थ टूरिज्म भी. सो बहुत से डिफरेंट टाइटल जो हैं वो डॉक्टर साहब रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम जी. एंड डॉक्टर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेरिया महमूद ने. आप सब इनको जानते हैं. इफ आई कॉल हर अ सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, ये बात गलत नहीं होगी. चेयरमैन इमरजेंसी यूनिट इन पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. अच्छा, आज मैं क्या सवाल पूछूंगी, मेरे भाई के पास आज बहुत से सवाल आते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ न्यूट्रिशन मेडिसिन. कासिम भाई हैज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स अली भाई आप भी, अनारे भाई आप भी, अगर आपने भी कुछ पूछना है तो प्लीज एक डिस्कशन की तरह हम इस चीज को लेंगे. हम लोग सुनेंगे, आप सुनेंगे, मैं तो सुनूंगा. बट यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. अच्छा, तो डॉक्टर साहब पहले आपसे बात शुरू करूंगी. सर, आजकल बच्चे भी, और यू नो आज 19वां रोजा है, बच्चे रोजे रखते हैं, कुछ इस पे गाइडेंस देंगे कि बच्चों की न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखें. बच्चे रोजे रखने पे भी इंसिस्ट करते हैं, टॉपिक भी हमारा आज का माँ है, तो फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हमें गाइड करें. थैंक यू वेरी मच जुगन. शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं. आज का जो टॉपिक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एक दो बुनियादी चीज़ों के बाद आगे हम बात को लेकर चलेंगे. सबसे जो पहली बात है कि हमें कॉन्सेप्ट को, हेल्थ के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है. एक सेंटेंस है, अगर हम उसकी बेस पे आगे चलें, वो कॉन्सेप्ट है बैक टू बेसिक्स, कि आप अपनी बुनियाद से दोबारा जुड़ें. ये पूरी दुनिया में जितने मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन के हवाले से, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है. अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो जितना हम आगे जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हमें सिंपली वापस जाना है, इस कॉन्सेप्ट को हमें लेके जाना है, बैक टू बेसिक्स के साथ अपनी ज़मीन, अपनी रूट, उसके साथ जुड़ना है. और जो चीज़ें ज़मीन से हासिल होती हैं, अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को उसके साथ जोड़ लेंगे, तो मैं समझता हूँ हम अपनी जनरेशन को एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी सेहत दे सकेंगे. ज़मीन से जुड़े बगैर ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना आप सेहत को आगे लेके जा सकते हैं, और ना आप अपनी जनरेशन को आगे लेके जा सकते हैं. ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी मैं इसको करता हूँ. इसमें दो तीन चीज़ें जो हमें नहीं करनी, जिस पे स्पेसिफिकली माओ को ख़ास तौर पे सेपरेट काउंसलिंग की ज़रूरत है. नंबर वन, जो आजकल हम देख रहे हैं, जो हम बहस भी होती है, जो आजकल जनरेशन की माएँ हैं वो हमारी जो पुरानी माएँ हैं उनसे थोड़ी मुख्तलिफ हैं. ठीक है, उसमें अभी टेक्नोलॉजी का जो दौर आ गया है, और हमारे जो बच्चे हैं, हम देखते हैं रूटीन में कि जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा गैजेट्स को यूज़ करते हैं और उनका टाइम उसमें इतना ज़्यादा स्पेंड होता है. मैं माजरत के साथ हमारी आज की माओ से इंतहाई अदब के साथ बात करना चाहूँगा कि वो सिर्फ अपनी मसरूफियत के हवाले से और अपने व्हाट्सएप और अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए छोटे बच्चे को मोबाइल दे के उसको कहते हैं आप खेलो बेटा. हमें ये बहुत ज़्यादा, और ये पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद करने वाली बात है, और इसके हेल्थ पे जो असरात हैं साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा खौफनाक असरात हो रहे हैं. फिज़िकली तो हो रहे हैं लेकिन साइकोलॉजिकली भी हो रहे हैं. उसके बाद ये जो फास्ट फूड है, ठीक है, और फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इसकी तरफ ये इंतहाई आसान चुके हैं. एक कॉल किया और उसके बाद ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर लिया. दिस इज़ वेरी इजी. पहली जो माएँ थीं वो अपने हाथों से खुराक बनाती थीं, खिलाती थीं, प्यार करती थीं. मीठा और करना उनमें होता था तो गुड़, शक्कर और देसी घी में बने हुए पराठे के साथ आपको चूरी बना के देते थे. जो चूरी पिनिया जो चूरी का कॉन्सेप्ट है, वो जो माँ अपने हाथों से गूंथती थी चूरी,
वो जो माँ का प्यार और जब इनकी आरिफ लोहार जैसी शख्सियात और बड़ी बड़ी इनकी शख्सियात जो हैं शाह साहब जैसी, वो रोने लगते हैं ना माँ के नाम पे, सारे रोने लगते हैं, वो असल में वो माँ ने अपना प्यार गुंदा होता था, क्या बात, तब जाके वो आंसू निकलते हैं। जब माँ ने अपना लम्स नहीं दिया उस चूरी में, ठीक है, तो उसकी सेहत तक वो असरात नहीं पहुंचेंगे। माँ जो लोरी देती थी सुबह, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह के हबीब का दुरूद पढ़ के, तो उसमें ये सेहत से ताल्लुक है इन बातों का। सेहत दो तरह की है, हम लोग सिर्फ फिजिकल सेहत लेते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो चूंकि हम कलाम होते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई तूर पे, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, अगर कोई इंसान आपसे एक चीज की ख्वाहिश करे, सिर्फ एक सवाल करे, वो आपसे मांगे, तो उसे क्या मांगना चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सेहत। ये इतनी बड़ी बुनियाद है, और इसमें दो चीजें, गैजेट से दूरी जो फास्ट फूड है उससे, और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो बुनियादी चीज़ है, मैं सारे सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपनी अगली नस्लों को बचाना चाहते हैं तो एक काम करें, अपने किचन पे तवज्जो दें। किचन में मोटी मोटी सारे इनकी लोग कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर्स एज सच उस तरह से नहीं गाइड करते, लेकिन न्यूट्रिशन का जो एक एलिमेंट है वो अब दुनिया में नया आ रहा है, पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखें जो मेडिकल एजुकेशन है पूरी दुनिया में ये रिवर्स हो रही है, हमें यहाँ पे शायद समझ नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उस तरह से इन चीज़ों को नहीं लिया जाता। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ और अननेसेसरी सर्जरीज, ये पूरी दुनिया में भाई कहीं नहीं होता, ठीक है। अब माई सेल्फ इज़ क्वालिफाइड फ्रॉम यूके, ठीक है, और उससे लेकर एडवांस जितने ममालिक हैं, वहाँ पे छोटे बच्चों को जो बात हुई है, वहाँ पे आप बच्चे को फ्लू हुआ है, आप जाएंगे डॉक्टर साहब आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे। भाई वहाँ पे तो आप देखें एडवांस कंट्रीज़ में तो जब को मरने लगता है तो शायद उस वक्त एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट ही एंटीबायोटिक्स किया जाता है। तो सिर्फ आप फ्रेंकली स्पीकिंग डॉक्टर्स पे ना रहें, हॉस्पिटल्स पे ना रहें, वो आपका बच्चा है, आप उस चीज़ को स्ट्रिक्टली कहें एंटीबायोटिक्स से दूर। और इसके मैं बताऊँ दुनिया में बहुत सारे इनकी तरीके मौजूद हैं, मैं इसमें आज आपको 3-4 ऐसी हैरान कुन टिप्स बताऊंगा जो कि घर पे रहते हुए बगैर किसी पैसों के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगी न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? डॉक्टर साहब कह रहे हैं गो बैक टू बेसिक्स, अभी कुछ साल पहले ही तो सारे पैकेज फूड्स की तरफ गए थे। एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि बैक टू बेसिक्स, आप क्या कहोगे? जैसे कि आपका आज का टॉपिक है माँ पे, तो मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स, मदर्स अच्छी जो माएँ होती हैं वो जनरेशन्स बना जाती हैं, अच्छी तालीम तरबियत करती हैं, खाने पिलाने से लेके अच्छी तालीम तरबियत भी उसकी आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आजकल बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि जिनके घरों में मदर्स की जो पर्सनल ट्रेनिंग है, कि ये लैब इंस्टीट्यूशन है, ये गोद से स्टार्ट होता है, और जब वो गोद इतनी स्ट्रांग हो तो बच्चा एक आपको पता है लोगों के और अपने लिए और मतलब हर किसी के काम आने वाला होता है। सो ये चीज़ें, और जहाँ पे हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन की बात होती है तो ग़ज़ा ग़ज़ाइयत का जिक्र आता है, और उसमें मतवाजन ग़ज़ा का जिक्र आ जाता है। बड़ा इट्स सो इजी एंड इट्स सो मतलब आप समझें कि चाहे वो बच्चों की न्यूट्रिशन है, चाहे वो प्रेगनेंट न्यूट्रिशन है, चाहे उसमें आपकी डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि अब रमज़ानुल मुबारक है और साथ ही साथ हम कोविड का जो है वो क्राइसिस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, जिसमें ना सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बल्कि मेंटल इलनेस और फिज़िकल रिटार्डनेस भी है, और मुझे नहीं लगता कि हर खासो आम उसका शिकार है, मैं ये बात एविडेंस से कह सकती हूँ। अब उस चीज़ को निपटने के लिए हमें अपने जो न्यूट्रिशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है फूड का, उसको अच्छा करना है। ये नहीं कि आपने एक टाइम तली हुई शिया खाई तो बहुत ही खा ली हैप्पी मूड के लिए, बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात को और मीठा करना या नमकीन मशरूबात को और नमकीन करने से वो क्या है आपकी हेल्थ पे बुरा असर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ खाएं लें पर इत्तेदाल में चले जाएं, तो इट्स सो गुड। अच्छा जो मैं ऐड कर सकता हूँ क्वेश्चन? जी। अच्छा मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि वो क्या अशिया हैं, चीज़ें हैं जो किचन में से निकाल देनी चाहिए? बड़ी खूबसूरत बात है, इसमें बहुत ज़्यादा हर एक को समझने की ज़रूरत है और माओं को इनको एक चेक लिस्ट के तौर पे लगाना चाहिए अपने उसमें। इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर जाके पेन और पेंसिल ले आएं, और इस सवाल का जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद।
कि कौन सी चीजें हमें अपने किचन से निकाल देनी चाहिए जैसे कि कासिम भाई ने कहा, और उसके साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि कौन सी चीजें परमानेंटली रख भी देनी चाहिए आफ्टर अ ब्रेक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत कलाम। इस कलाम के बारे में हमें कुछ बताएंगे, किसकी कॉम्पोजिशन, किसका लिखा हुआ कॉम्पोजिशन? तो आपकी ही होगी और खुर्शीद बाबा जी हैं, उन्होंने लिखा। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर से पूछा था, बहुत ही एक सेंसिबल एंड क्विक टिप्स वाला, कि भाई कौन सी पांच चीजें हमें हटा देनी चाहिए अपने किचन से और कौन सी पांच चीजें हमें ऐड कर देनी चाहिए। उसमें सबसे बुनियादी तौर पे जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, क्विक रिव्यू देते हैं। नंबर वन, आटा। आटा जो है, इसके बारे में बहुत इनकी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आटा बहुत से लोग जो है, एक तो बाजार का रिफाइंड चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ठीक है जी, आप बिल्कुल रॉ और फाइबर वाली चीज़ों पे आ जाएं। आटा वो जो चक्की वाला हो। अब चक्की में भी अगली स्टेज है, कोशिश करें अगर हो सके वो पत्थर की जो चक्की है ना, आप जब छानते हैं आटे को, अगर उस पर फाइबर नहीं आएगा ना, तो आपकी वो हेल्थ के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, चाहे चक्की का हो। एक बात। नंबर टू, आपका सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज़्यादा अहम है। इस बारे में आप जो पत्थर का नमक है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आजकल मार्केट में रेगुलरली मिल जाता है, ठीक है जी। एक दूसरी बात, तीसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो ऑयल है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, रिफाइंड चीज़ों की तरफ से निकलना है, बैक टू बेसिक की तरफ जाना है। जो ऑयल है, ऑयल में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट। जी जी, कोलू का तेल जो है, बिल्कुल वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, और उसमें आप बहुत सारी टिप्स डिटेल्स में मिल जाती हैं जो कि आप कुकिंग ऑयल के तौर पे। अब एक मैं आप थोड़ी सी टिप देना चाहता हूँ, जो कुकिंग ऑयल है इसमें जो सरसों का तेल है उसकी चूँकि स्मेल होती है, उसमें से एक और, उसे राया कहते हैं और कनोला उसे कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली सरसों हैं, वो सफ़ेद सरसों होती है, उसको अगर आप यूज़ करें तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप उसे गर्म कर लें, वो तरीका आपको पता है सारा, वो नंबर टू। ये थ्री है ऑयल, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप किचन में से आटा उसको, और उसके बाद रेगुलरली अगर आप यूज़ कर दें बच्चों को भी अपने को, मल्टीग्रेन आटा जो है, जितने अनाज हैं उनको मिला के आप घर में थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर सकते हैं, और इस टिप को अगर आप लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके जिस्म में और बच्चों को आनी शुरू हो जाएंगी, और वो बहुत अच्छे तरीके से 8-10 डिफरेंट छोटे अनाज हैं, अभी टाइम नहीं है जिस पे बताया जा सके, तो उसमें अगर उनको ग्राइंड घर पे आप ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लें, और उसमें 50% आप चक्की का आटा और वो मिक्स करके आप बनाएं, बहुत बेहतर चपाती बनती है, पराठा बन सकता है, चपाती बन सकती है, आप बच्चों को वो खिलाएं। कुछ और भी माइनस आप डॉक्टर साहब चाहेंगी? उन्होंने कुछ चीज़ें माइनस, मैंने कहा कि अगर सभी ये बात कर लेंगे तो शायद मेरे लिए कोई बात करने के लिए बचे ना, तो रेड मीट निकाल लें। देखिए, हर इंसान की अपनी बॉडी होती है और उसका अपना एक मतलब सिस्टम होता है। आपने हमेशा अपने आप को बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखा है, जब भी मैंने आपको देखा है, आप टीवी पे भी काम करते हो, बाकी चीजें भी करते हो, अपने आप को, देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे और कहेंगे आई वांट टू लुक लाइक दिस, एंड आई नो कि आप कोई रिडिकुलस चीजें नहीं करते हो। जी जी, आपने एक लाइफस्टाइल रखा, तो वो लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल में ये है कि आई ईट अ लॉट, हमेशा मतवाजन गजा का ख्याल रखती हूँ, और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह जरूर करती हूँ उसमें। okay. और साथ ही साथ फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, फलों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा है, असेंशियल ऑयल्स जो हैं वो मैं दही में, या अगर जौ का दलिया है ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, जैसे आजकल सहूर है, तो उसमें अगर कोई भी ऐड करें, आप उसमें नट्स ऐड कर लें, थोड़े बहुत सीड रूप ऐड कर लें, अलसी के बीज आप ऐड करें, सेसमी सीड ब्लैक और वाइट सेसमी सीड्स ऐड कर लें। अच्छा, खवातीन, वो एक न्यूट्रिशनल और कैलोरिक डेंस फूड बन जाता है। खवातीन के लिए स्पेशली क्या आप रेकमेंड करते? देखो, क्योंकि मर्दों की एक कुछ फर्क रिक्वायरमेंट्स होती है खवातीन के लिए, क्योंकि देखो खवातीन ने चाइल्ड बेयरिंग भी करनी है, फिर खवातीन की बॉडी की टेक्निकली वेरिएंट है। एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत सी जो खवातीन है, बल्कि ग्लोबली, उनमें आयरन डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उनकी रहती है, यंग एज से लेके फिर प्रेग्नेंट न्यूट्रिशन में, फिर ओल्डर न्यूट्रिशन में। तो जब हम इन गोल्स की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले उनको ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एजिंग से भी रुकें, या जो उसके अलावा जो कई मामलात हैं उसमें भी वो एक्टिवली परफॉर्म करें, क्योंकि खातूनें खाना ना सिर्फ घर देख रही होती है, अगर वो बाहर भी देख रही है तो उसको और भी एक्टिवली
तमाम चीजों को मॉनिटर करना होता है। डॉक्टर साहब, क्या अपनी इम्यूनिटी को चेक किया जा सकता है? देखिए, डेंट बैठक लगा के ताकत का पता लग जाता है, इम्यूनिटी कैसे पता लगता है? इसके लिए मैं सिंपली क्विक रिव्यू के तौर पे, आज जिन्होंने जैसे जुगन ने पहले कहा था कि अपने कॉपी पेंसिल पकड़ लें, उम्मीद है आपके पास होंगे, अब आप अपने पेन उठा लें, मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा जिसको इम्यूनिटी स्कोर कार्ड कहेंगे। सिंपली आप उस पर, अगर वो चीज आप में है, आप टिक कर लेंगे वरना क्रॉस कर लेंगे। सिंपल 8 पॉइंट हैं, अगर उनको चेक करने के बाद आपको खुद घर पे पता चल सकता है इम्यूनिटी लेवल क्या है। नंबर वन, सबसे पहले ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो क्या आप ऑटोमेटिक इजी तरीके से आप अपने पेट को फ्लश आउट कर सकते हैं? ठीक है, अगर तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो इट मीन्स कि आपकी इंटेस्टाइन जो है ना वहाँ प्रॉब्लम है, रुकावट है। एक चीज़ अगर इस तरह है, जिस कंडीशन में आप हैं, आप टिक कर लें या क्रॉस कर लें। नंबर टू, आपका जो वेट है वो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कहाँ पे है, अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग भी आप टिक कर लें। टू, नंबर थ्री, आपकी जो हेल्थ है, अंदर की जो हेल्थ है इंटरनल, वो आपके जो स्किन है उस पर झलकती है। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्नी है और आपकी स्किन ड्राई है, इट मीन इसके अकॉर्डिंग भी आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको, ये बहुत अहम पॉइंट है और बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, अगर आपको दिन में ड्रोजीनेस फील होती है, आप लेजी हैं, आपको दिन में नींद आती है, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, तो ये अगर ये इशू, ये पूरा अलग टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लें, उसको आप टिक कर या क्रॉस कर लें। उसके बाद अगर आपको दिन में, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, दिन में अगर आपको सही, जैसे पंजाबी में कहते हैं टिका के भूख लगना, अगर आपको टिका के भूख नहीं लगती, ज़बरदस्त शानदार भूख नहीं लगती और फिर आप दोबारा खा लेते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स प्रॉब्लम है। आपको दिन में दो दफ़ा ज़बरदस्त करके भूख लगनी चाहिए, ठीक है। अगर, और कतन नहीं ऐसा करना चाहिए आपको कि ऑलरेडी, चाहे वो कई तो हुक्मा कहते हैं कि अगर 3 दिन भी लग जाएं तो आप पहली डाइट को हज़म होने दें, ठीक है जी। तो ये इसको आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, आपकी जो स्लीप है, 7 घंटे की प्रॉपर टाइट स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनइंटरप्टेड, अगर वो आपकी होती है इसके अकॉर्डिंग आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में, ये 7th नंबर पॉइंट है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे पेन्स तो नहीं रहती। अगर डिफरेंट पेन है, पेट में पेन है, टांग में पेन है, सर में पेन है, उनकी शाटिका पेन है या मिग्रेन है वगैरह वगैरह, डिफरेंट पेन्स रहती हैं, तो वो आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट बट उनकी नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल जो बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन, इसको आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। अब ये जो है, अगर आपके पॉइंट्स जहां ज़्यादा हैं, इससे आप घर बैठे इन 8 पॉइंट से इम्यूनिटी चेक कर सकते हैं अपना। अब एक मैं टिप देना चाहूँगा इसके अलावा, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, वो माएँ बच्चों के लिए और बच्चों माओ के लिए कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है, इंतहाई सादा एक बात, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, अपनी इम्यूनिटी को और अपनी हेल्थ को बूस्ट अप करने के लिए। ये एक मैजिकल पॉइंट है जो कि यहाँ होता है, यहाँ ये पॉइंट है, इसको अगर आप 10 टू 15 सेकंड तक, ठीक है, आप दबाए रखें और इसको मसलें, और ये माओं को भी करना चाहिए और बच्चों को रेगुलरली करना चाहिए, ये बहुत मैजिकल फोकल पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दबाते रहें दिन में। ये राइट है या लेफ्ट है? ये बड़ी अहम बात की, अच्छा लेफ्ट को आपने, फॉर एग्जांपल, इस, ये बहुत ही अहम बात है कि अगर आपने 1 मिनट इसको दबाया है राइट साइड वाले को, तो आपने लेफ्ट साइड वाले को 30 सेकंड दबाना है। इस पे हार्ट होता है, उस पे ज़्यादा प्रेशर ना आए, हाफ टाइम लेफ्ट पे और ये 30, और दिन में कम से कम 3 से 5 दफ़ा आप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल पॉइंट है। और आखिरी बात, इसके ये जो आपके हाथ है, इसके ये जो इनके हाथों की फिंगर के टिप्स हैं, इनको आप रेगुलरली 1 मिनट, वो जो टोटल हेल्थ के लिए बेहतर है, आप जो कपड़े सुखाने वाली चिटकनी होती है ना, उसको अगर आप इस पे लगा दें, इन पे, और आप चंद इनकी सेकंड के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक लगा रहने दें दिन में, ये 3 दफ़ा करें, आपकी टोटल हेल्थ पे वाजिया तौर पे हैरान कुन चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। जाते जाते एनी फाइनल वर्ड्स दैट यू वांट टू शेयर विद, there are so many fans of yours also watching, क्या कहना चाहूँगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है या डाइट है, उसमें दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, लहसुन, जो कि आपके इम्यून बिल्डर्स हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जिस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं वो COVID-19 है और उसकी तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है, तो इससे बचने के साथ साथ खून को पतला रखने वाली गजाएँ लें, पॉमग्रेनेट जूस, विटामिन सी एंड रिच फूड्स, क्योंकि कोविड-19 की जो, जिन बॉडी का पोस्टमार्टम
किया गया है कुछ जगहों पर, वहाँ पे देखा गया कि कॉगुलेंट्स हो जाते हैं, बॉडी खून जम जाता है, लोथड़ी होती है। सो खून को पतला रखें, कुछ जो मेडिकल सॉल्ट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, और अगर खुराक से हो जाए तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू। हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। आप हल्दी का मतलब हल्दी में दूध ले सकते हैं, हल्दी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में गोल्ड ड्रिंक कहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस। सॉरी, वक्त का मुकाबला सख्त होता है, बड़ा प्रेशर होता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का ज्वाइन करने का। जवेरिया, यू आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग, सो हैव अ सेफ फ्लाइट। लॉट्स ऑफ लव मेरी जान। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।